स्टूडेंट, वेलकम टू त्रिन अकेडमी। माई नेम इज मनोज शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है? देखो फर्स्ट, देखो ट्रिग्नो मीन्स होता है, देखो थ्री वर्ड से मिलकर बना ही है। ट्री, देखो एक तो है ट्राई, ओके ट्राई मीन्स होता है थ्री, ओके ट्राई मीन्स थ्री। नेक्स्ट वर्ड है गौन्स, क्या वर्ड है? गौन्स, ठीक है। ठीक है, तो गौन्स मीन होता है साइड्स, ओके गौन्स मीन्स होता है, देखो ये जो गोनो गोनो लिखा हुआ है उसको गौन्स बोलते हैं, गौन्स मीन्स होता है साइड्स, ओके। एंड मैट्रिक, जो मैट्रिक वर्ड है वो उसका मीन्स होता है मेजरमेंट, ओके मीन्स थ्री साइड का जो मेजरमेंट होता है। थ्री साइड मेजरमेंट मीन्स किस में होती है? थ्री साइड होती है ट्राइंगल में। मीन्स जो ट्राइंगल होता है उसके जो आइडेंटिटीज होते हैं, मीन्स जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। ट्राइंगल के जितने मेजरमेंट है, हाइट, लेंथ, विड्थ जो भी हो गई उसकी, एंगल वगैरह, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ओके। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। देखो ये ट्राइंगल है अपना, ओके ये 90 डिग्री। देखो अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 90 डिग्री ट्राइंगल होता है, जो कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम होता है इसका? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अलावा कोई सा भी ट्राइंगल नहीं होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं, ओके और कोई सा ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज ये ए है, ये बी एंड ये सी, तो जो 90 के अपोजिट होता है वो होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो है ये थीटा, अगर इसको माना जाए तो थीटा के सामने, सपोज थीटा मीन्स यहाँ 30 डिग्री, 20 डिग्री जो भी होगा उसके अपोजिट होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग रह गया वो रह गया बेस, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये 90 डिग्री होना चाहिए, जरूरी है। एक एंगल बेस, हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर, इनकी भी कंडीशन होती है कौन कहाँ पर रहता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री का मींस क्या होता है, आइडेंटिटी मींस फॉर्मूलाज। तो कि ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला है उनके बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला होता है, उनको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और क्या क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आइडेंटिटी, जो थ्री मेन आइडेंटिटी है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटी है, वो कैसे आती है, ठीक है। अब जैसे बात करें, जैसे सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही जो फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज है, वो आई है, कैसे आई है अभी बता देता हूँ मैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, अपना ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, जो किसने दी है? पाइथागोरस नाम का एक साइंटिस्ट है। देखो तीन साइंटिस्ट है, यूक्लिड, थेलस एंड पाइथागोरस, इन्होंने क्या बनाई है? ये सब कुछ बनाया, ठीक है। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री किसके अंदर आती है, ठीक है, ज्योमेट्री में आती है, ठीक है। तो ज्योमेट्री के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, वो इन तीनों ने दिए हैं। तो ये इसने सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज़ निकाली। अब वो आइडेंटिटीज़ क्या हैं, देखो कैसे आती है। सबसे पहले हाइपोटेनस, इसको सबको डिवाइड कर दो, किससे? बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सबको किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? बेस स्क्वायर से, ठीक है। दोनों साइड कर सकते हैं इसका, जैसे क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर कैंसिल होता है, हो जाएगा। तो बी स्क्वायर से डिवाइड किया, तब ये देखो एच अपॉन बी, मीन्स ये क्या बन रहा है? एच अपॉन बी होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बन रहा है? ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? वन, और ये पी अपॉन बी होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। और अगर बात करें अपन, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक ट्रिक है याद करने की। क्या याद करने की? जो पी अपॉन एच होता है वो होता है साइन थीटा, ठीक है। जो बी
अपॉन एच होता है वो होता है कॉस थीटा, और जो बी पी अपॉन बी होता है वो होता है अपना टेन थीटा। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता देख लो, ये होता है ये सब कुछ। और ये जो नीचे है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी ये उल्टा लिखा हुआ, लेकिन एच अपॉन पी रीड करना है, ये होता है कॉस एक थीटा, मीन साइन का अपोजिट। ये है आपका एच अपॉन बी सेक थीटा, और ये जो बच गया है ये क्या है आपका कॉट थीटा बी अपॉन बी। तो ये होते हैं, ठीक है। अब इधर से देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी देखो, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी की वैल्यू क्या है सेक थीटा, मतलब ये इसको ऐसे लिखना है आपको एच अपॉन बी, समझ में आ रही है बात। तो ये ऐसे होना चाहिए, तो एच अपॉन बी की वैल्यू आ गई आपके पास सेक थीटा, और उसका क्या है स्क्वायर वन प्लस पी अपॉन बी। पी अपॉन बी मीन्स टेन थीटा, पी अपॉन बी भी क्या होना चाहिए टेन थीटा, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो एक तो ये आइडेंटिटी आ गई, आपको पता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मैं आप इसको लोग रख लिख लो, राइट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब इसको जैसे बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब कर रहा हूँ मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड, ठीक है, पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा एच अपॉन पी होल स्क्वायर बी अपॉन पी होल स्क्वायर, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, वन आ गया। अब उधर से फिर से देखो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी होता है कोसेक थीटा, ठीक है, एच अपॉन थी कॉसेक थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर। बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी क्या हो रहा है कॉट थीटा, बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी क्या हो रहा है अपना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन। तो सेकंड फॉर्मूला आपका अपना ये आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूले से आगे बचा तीसरा वाला फॉर्मूला कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जब इसको एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब वो आ जाएगा, आप इसको राइट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, किससे डिवाइड कर रहा हूँ एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, वन आ गया। बी अपॉन एच, बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या हो गया साइन, मीन्स और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का भी स्क्वायर। तो ये आ गया अपना फर्स्ट वाला। तो तीनों आइडेंटिटीज हो गई, ये हो गई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गए, ठीक है, ये मेन फॉर्मूले थे तीन। अब जैसे सिंपल जो मेन जो बेसिक फॉर्मूला है वो भी आपको राइट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए क्या होने चाहिए। जैसे साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, ये होता है। और अगर कोसेक थीटा हो तो उसका अपोजिट होता है वन अपॉन साइन थीटा, मीन्स एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कोस थीटा, कोस थीटा होता है वन अपॉन सेक थीटा, ठीक है, और वन अपॉन सेक थीटा होता है इसका अपोजिट वन अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तीसरा क्या आ गया अपना टेन थीटा, टेन थीटा बराबर इक्वल टू होता है वन अपॉन कोट थीटा, एंड कोट थीटा हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, ओके, ये होता है, ध्यान से देख लेना आप। साइन कोस जैसे ही लिखा हुआ है, देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, तो ऐसे याद रखना, जो आउटर साइड वाले वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और फिर ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये ट्रिक बता दिया आप लोगों को, आप लोग ये लिख लो कुछ। हाँ,
सिर्फ अब दो फॉर्मूले हो रहे हैं, क्या फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, एंड कॉट थीटा होता है इसका अपोजिट, मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जितने भी ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए, थ्री वो सिक्स हैं दो ये, ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूले ये याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने के लिए, आगे जाके भी आगे बहुत काम आएंगे जैसे 11th 12th में, ठीक है, तो इनका बहुत यूज़ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो आप लोगों को इनको याद करना जरूरी है, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज वगैरह अगर ये मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें अपन कुछ एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, उसी का मैं रिप्लाई दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सबके रिप्लाई दूंगा मैं, उसके जो भी आप डाउट होंगे उसके एक क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, धन्यवाद।